हेलो प्यारे बच्चों, थ्रेशोल्ड फिजिक्स क्लास में आपका पुनः स्वागत है। लास्ट क्लास को हम लोग कूलम्स लॉ के बारे में पढ़े थे और मल्टीपल चार्ज के बीच में किस तरह फोर्स लगता है, मल्टीपल चार्ज सिस्टम है तो उसमें किस तरह का फोर्स लगता है, यह हम लोगों ने लास्ट क्लास को पढ़ा था। और उसमें हम लोग पढ़े थे कि अगर मल्टीपल चार्ज सिस्टम है तो मल्टीपल चार्ज सिस्टम में टोटल फोर्स जो होगा दैट इज द वेक्टर सम। जैसे अगर तीन चार्ज है, यहाँ पर फोर्स निकालना है, यह सब क्यू 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 है, यह ए ए ए दूरी पर है, अगर यहाँ पे टोटल फोर्स निकालना हो तो यह चार्ज इधर रिपेल करेगा और यह चार्ज इधर रिपेल करेगा और दोनों का रिजल्टेंट ये वाला रिजल्टेंट हो जाएगा दोनों के बीचों बीच। तो यह फोर्स क्या होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यह भी हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दोनों बराबर बराबर है 30-30 डिग्री पर, इसीलिए जो यहाँ एफ टोटल होगा वह हो जाएगा 2f cos 30 डिग्री, इसका भी एफ कॉस 30, इसका भी एफ कॉस 30, यह हम लास्ट क्लास को पढ़े थे। यहाँ आ जाएगा 2kq² / a² √3/2, ठीक है। तो ये हम लोग लास्ट क्लास को पढ़े थे, आज इसी क्रम में हम कुछ क्वेश्चंस और पढ़ेंगे मल्टीपल चार्ज सिस्टम का। इसमें एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है आपको कि वेयर शुड थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट इट विल एक्सपीरियंस जीरो फोर्स या नो फोर्स। ऐसा क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि तीसरा चार्ज को हम कहाँ रखें, दो चार्ज पहले से दिया हुआ है, तीसरा चार्ज को हम कहाँ रखें कि उस पर टोटल फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यानी क्वेश्चन इस प्रकार होगा, यहाँ पे चार्ज Q1 है और यहाँ पे चार्ज Q2 है, अब कहाँ पे हम तीसरे चार्ज को रखें कि हमारा तीसरे चार्ज पे टोटल फोर्स जीरो हो जाए। तो ये श्योर है कि वह जब भी होगा इसी लाइन पर होगा। तो यहाँ कंडीशन आ जाता है कि अगर यह दोनों से सिमिलर चार्ज है, पहला केस आ जाता है कि इफ Q1 एंड Q2 आर लाइक चार्जेस, क्या है लाइक यानी हिंदी में हम बोलेंगे सम चार्ज, एक जैसा चार्ज है, इफ Q1 और Q2 एक जैसा चार्ज है तो आपको वह पॉइंट जो है रिक्वायर्ड पॉइंट जो आप खोज रहे हो, थर्ड चार्ज कहाँ प्लेस करना चाहिए, बीच में कहीं प्लेस करना चाहिए, थर्ड चार्ज मस्ट बी प्लेस्ड बिटवीन देम, उस दोनों के बीच में प्लेस करना चाहिए, ठीक है। जैसे देख लो यहाँ पे, ये आपको जो PDF हम दिए हैं उसमें नहीं है ये बात, इसको आप नोट कर लीजिएगा, थर्ड चार्ज मस्ट बी प्लेस्ड बिटवीन देम। जैसे यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है, तो बीच में कहीं Q3 प्लेस किया जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों एक जैसा चार्ज है, तो अगर यह मान लो रिपेल करता है तो यह भी रिपेल ही करेगा, क्योंकि दोनों एक जैसा चार्ज है। अगर यह मान लो पॉजिटिव है, यह नेगेटिव है, तो 1 वाला इधर अट्रैक्ट करेगा, 2 वाला इधर अट्रैक्ट करेगा, तो कैंसिल होने की संभावना है। अगर यह भी पॉजिटिव चार्ज है, गौर से देखना, अगर यह नेगेटिव है तो यह भी अट्रैक्ट करेगा, तभी कैंसिल होने का चांस है। जब भी आपको टोटल फोर्स जीरो करना है तो आपको क्या दिमाग में रखना है कि एक के कारण जो फोर्स हो और दूसरे के कारण फोर्स पहले वाले के अपोजिट हो, पहले वाले के अपोजिट होगा डायरेक्शन, तभी ना जीरो हो सकता है। तो पहले वाले का चार्ज हम देखेंगे और उसके कारण फोर्स किधर है, उसके बाद हम देखेंगे फिर दूसरे चार्ज के कारण फोर्स किधर है। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो संभावना है कि जीरो होगा।
तो यह तभी संभव हो पाएगा जब यह दोनों चार्ज एक जैसा है, तो यह आपको बीच में ही किसी पॉइंट पर संभव हो पाएगा। नहीं, कोई कहेगा कि नहीं सर, हम साइड में किसी पॉइंट पर देंगे। देखते हैं, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हो, तो अगर सबको हम पॉजिटिव ही मानते हैं, सपोज सब पॉजिटिव ही है, तो यहाँ पे अगर Q3 को अगर आप रखोगे, Q3 को अगर यहाँ पे रखोगे, तो Q1 भी रिपेल करेगा, Q2 भी रिपेल करेगा। Q2 नजदीक है, ज्यादा रिपेल करेगा, Q1 कम रिपेल करेगा। तो दोनों एक ही दिशा में है, तो कभी भी जीरो तो नहीं हो पाएगा। सिमिलरली इस साइड भी अगर Q3 को रखा जाए, तो Q1 इधर रिपेल करेगा और Q2 भी इधर रिपेल करेगा, यानी यहाँ भी जीरो होना संभव नहीं है। तो जब भी एक जैसा चार्ज रहेगा, तो आपको वह थर्ड पॉइंट बीच में ही कहीं मिलेगा। अब उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कितना कैसे मिलना चाहिए। अगर हम पूरा दूरी r है और यहाँ से यहाँ का दूरी x1 है, यहाँ से यहाँ का दूरी x2 है, तो गौर से देखना क्या हो जाएगा। इसके कारण जो फोर्स होगा और इसके कारण जो फोर्स होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। डायरेक्शन ऑलरेडी अपोजिट हम बोल ही चुके हैं, तो 1/4 pi epsilon naught Q1 Q3 अपॉन x1 का स्क्वायर बराबर 1/4 pi epsilon naught Q2 Q3 अपॉन x2 का स्क्वायर। अगर बराबर होना है, दोनों फोर्स बराबर होगा, तभी जाके यह कैंसिल होगा। तो ये बात खत्म, Q3 खत्म। यानी आपको फाइनल एक फॉर्मूला आ गया कि ऐसे केस में क्या हो जाएगा, Q1/x1² बराबर Q2/x2². तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर तीसरा चार्ज फाइंड करना है कि किस पोजीशन पे होगा, तो वह पहले चार्ज से x1 दूरी पर, दूसरे चार्ज से x2 दूरी पर होगा। अब यहाँ पर ये दिमाग में आता है, इसके बाद हम यहाँ गए हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैक्सिमम बार क्वेश्चन में क्या होता है कि r दिया रहता है, x1 और x2 नहीं दिया रहता है, तो अगर बीच में पॉइंट है, तो x1 को अगर x मानते हो, तो x2 क्या हो जाएगा, r-x। कि अगर आप ऐसा मान के बना सकते हो कि इफ x1 बराबर x, देन यहाँ पे जो केस है, उस केस में x2 बराबर जो हो जाएगा r-x, क्या हो जाएगा r-x, और इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। फिर से गौर से देख लो कि अगर दो चार्ज है, आपको निकालना है कि तीसरा चार्ज हम कहाँ प्लेस करेगी, टोटल फोर्स जीरो हो, तो अगर यह दोनों चार्ज एक जैसा होगा, केस फर्स्ट हम ले रहे हैं कि दोनों चार्ज क्या है, एक जैसा है, तो बीच में ही वह कोई पॉइंट होगा, ताकि दोनों के कारण फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए। और मैग्नीट्यूड हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। डायरेक्शन हम अपने मन से सोचेंगे कि लाइक चार्ज रिपेल करता है, लाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है, उस आधार से। और मैग्नीट्यूड हम कूलम्स लॉ से निकालेंगे। देख रहे हैं कि 1/4 pi epsilon naught 1/4 दोनों साइड कट जाएगा, Q3 दोनों साइड कट जाएगा, यानी Q1/x1² Q2/x2², यानी इससे एक चीज और साफ होता है कि Q3 चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी तीसरा चार्ज क्या है, उस बात से इसको फर्क नहीं पड़ेगा। इस पॉइंट पर अगर निकल गया है कि टोटल फोर्स Q3 पर जीरो है, तो Q3 की जगह पे कोई दूसरा चार्ज भी रख दोगे इस पॉइंट पर, तो टोटल फोर्स जीरो होगा। अगर ये निकल गया कि 2 कूलम यहाँ रखने पर टोटल फोर्स जीरो होता है, तो 4 कूलम भी रखेंगे तो टोटल फोर्स जीरो होगा, क्योंकि इस तीसरे वाले चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा, पहले दोनों पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसमें सिर्फ तीसरा चार्ज पर फोर्स हम जीरो कर रहे हैं, Q1 और Q2 पर जीरो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ तीसरा चार्ज पर फोर्स हम जीरो कर रहे हैं, डन। अब केस आ गया कि नहीं, Q1 और Q2 लाइक चार्ज नहीं है, अनलाइक चार्ज है। अब Q1 और Q2 अगर अनलाइक चार्ज है, तो क्या होगा, देखते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला ध्यान रखना, अनलाइक में भी यही फॉर्मूला काम आएगा, थोड़ा का बस अंतर आएगा, देखते हैं। केस सेकेंड, Q1 एंड Q2 आर अनलाइक चार्ज। आर क्या है, अनलाइक चार्ज। अब अनलाइक चार्जेस, इसमें दो केस आ जाता है कि Q1 का मैग्नीट्यूड जो है वह लेस देन है Q2 का मैग्नीट्यूड, कि Q1 छोटा है और Q2 क्या है, बड़ा है।
तो ऐसा केस में क्या हो जाएगा, गौर से देखिए, यहां Q1 और यहां Q2 दोनों के बीच में दूरी r। हम जान रहे कि दोनों अनलाइक चार्ज है, यानी एक अगर अट्रैक्ट करता है Q3 को तो दूसरा रिपेल करेगा, एक अगर अट्रैक्ट करता है तो दूसरा रिपेल करेगा, क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट नेचर का है। तो अगर बीच में कोई पॉइंट ले लो, सपोज हम सर्च कर लेते हैं, बीच में अगर पॉइंट लेते हो तो Q1 अगर अट्रैक्ट करता है तो इधर होगा, तो Q2 रिपेल करेगा तो अगेन उधर ही हो जाएगा। गौर से देख लो, ऊपर वाला 1 के लिए, नीचे वाला 2 के लिए। अगर Q1 अट्रैक्ट करता है तो Q2 क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। अगर मान लो Q1 रिपेल करता है तो इसका जस्ट अपोजिट चार्ज है, तो Q1 रिपेल कर रहा है तो Q2 अट्रैक्ट करेगा, तो सेम डायरेक्शन में फिर से हो गया। यानी दोनों के बीच में कहीं भी पॉइंट रखोगे, चार्ज हम यहां पे रख रहे हैं, खाली दिखाए हैं ऊपर नीचे, कि कहीं भी रखोगे तो टोटल फोर्स जीरो होने की संभावना नहीं है। अगर Q2 इधर रखते हो तो Q1 अगर रिपेल करता है तो Q2 क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो यहां पे जीरो होने की संभावना है। इधर के पॉइंट पर Q1 अगर रिपेल करता है तो इधर जाएगा Q3, तो Q2 उसको अट्रैक्ट करेगा तो इधर जाएगा, तो यहां पर भी जीरो होने की संभावना है। हम हर जगह Q3 रख के चेक कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब सवाल उठता है कि दोनों जगह संभावना है तो दोनों जगह में से किस जगह होगा। तो हमको मालूम है कि डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, जो कि इस साइड भी हो रहा है और इस साइड भी हो रहा है, लेकिन अब है कि मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए, तब ना एक दूसरे को कैंसिल करेगा। डायरेक्शन अपोजिट और मैग्नीट्यूड बराबर, तभी वह एक दूसरे को कैंसिल करेगा। एम आई क्लियर? ओके, तो मैग्नीट्यूड कब बराबर होगा, तो मैग्नीट्यूड के लिए चार्ज का प्रोडक्ट और डिस्टेंस देखते। तो अब देख रहा है कि यहां दिया है कि Q1 छोटा है और Q2 बड़ा है, तो भैया Q1 छोटा है तो छोटा के नजदीक रखोगे तब ना उसका प्रभाव अधिक बराबर हो पाएगा, नहीं तो एक तो चार्ज पहले से ही छोटा है और तुम दूरी भी बढ़ा दोगे तो फोर्स और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो चार्ज बढ़ाओगे फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ाओगे फोर्स घटेगा। तो Q1 तो छोटा चार्ज है तो फोर्स कम गया, और डिस्टेंस भी अगर ज्यादा हो गया तो और कम जाएगा, इसलिए हम क्या कोशिश करेंगे कि चार्ज अगर यह छोटा है तो डिस्टेंस भी छोटा हो ताकि फोर्स बराबर हो जाए। तो Q1 से डिस्टेंस कम होना चाहिए, तो Q1 से डिस्टेंस कम तभी होगा जब आप लेफ्ट साइड में रहोगे, राइट साइड में जाओगे तो क्या होगा कि Q2 चार्ज भी बड़ा है डिस्टेंस भी छोटा है, तो Q2 के कारण फोर्स बहुत बड़ा हो जाएगा, और Q1 चार्ज भी छोटा है डिस्टेंस भी बड़ा है, इसके कारण फोर्स छोटा हो जाएगा, कभी भी बराबर नहीं हो पाएगा, कभी भी बराबर ये नहीं हो पाएगा। तो बराबर नहीं हो पाएगा तो इधर इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम इधर इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि हेयर फोर्स बाय Q2 जो होगा, फोर्स बाय Q2 वह ग्रेटर देन होगा फोर्स बाई Q1। इस केस में तो डायरेक्शन ही सेम है, नहीं है सेम डायरेक्शन में, अपोजिट है ही नहीं। इस केस में कि हमेशा बड़ा होगा, छोटा होने की संभावना ही नहीं है। इधर संभव है, इधर संभव है, तो इधर संभव है, तो इस दूरी को आप अगर X1 मानते हो तो यह दूरी क्या हो जाएगा, Q2 से दूरी X2। तो अब मैग्नीट्यूड बराबर करना है तो KQ1Q3 अपॉन X1 का स्क्वायर बराबर KQ2Q3, वही 4πε0 की जगह पे K लिख के भी बना सकते हो, थोड़ा जल्दी जल्दी बन जाएगा। तो यहां से भी क्या आ गया, अगेन आ गया आपको Q1 बाय X1 स्क्वायर बराबर Q2 बाय X2 स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला आप देख लो, केस कोई भी हो फॉर्मूला सेम आ रहा है, बट फर्क यहां सिर्फ क्या है, फर्क ये है कि यहां X2 R-X था पिछले वाले केस में, और यहाँ X2 R+X होगा, बस ये अंतर हो जाएगा। इसीलिए यह डिसाइड करना सिर्फ जरूरी है, फॉर्मूला नहीं, सिर्फ ये डिसाइड करना जरूरी है कि किस साइड में इक्विलिब्रियम होगा। इफ X1 बराबर X है तो हेयर X2 बराबर क्या हो जाएगा, X2 बराबर R+X हो जाएगा, बस यही का अंतर। उसी प्रकार केस बी भी लोगे तो सिमिलरली हो जाएगा, सिमिलरली
केस बी भी होगा जब आपको क्या हो Q1 बड़ा हो Q2 से, तो ये मिलेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट जो आपको मिलेगा वह नियर किसके Q2 के छोटे वाले के नजदीक मिलेगा। जब भी इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा छोटे वाले के नजदीक मिलेगा। यहां से एक बात क्लियर हो गया कि दोनों लाइक चार्ज है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट बीच में मिलेगा और अनलाइक चार्ज है तो साइड में मिलेगा यानी काट में मिलेगा। किसके काट में मिलेगा? जो छोटा चार्ज रहेगा उसके काट में मिलेगा। तो इस तरह से हम इस सवाल को बना सकते हैं जहां थर्ड चार्ज बोला जाए कि इक्विलिब्रियम में हो या थर्ड चार्ज पर फोर्स जीरो हो। यहां से एक छोटा सा सूत्र है, आप ऐसे समझ के तो बना ही सकते हो लेकिन ऐसे ही एक मजे के लिए लिख देते हैं कि इसका सूत्र हो जाएगा सम चार्ज के इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको कहां मिलेगा? सम चार्ज के बीच में, भिन्न चार्ज के कात में यानी साइड में ऐसा बोलते हैं, भिन्न के नहीं छोटका भिन्न के कात में, छोटका एक ही बात में सब हो गया, छोटका भिन्न के कात जो छोटा वाला होगा उसके कात में मिलेगा अगर भिन्न चार्ज है तब। और दोनों चार्ज बराबर हो, दोनों भिन्न यानी डिफरेंट चार्ज है, अनलाइक चार्ज है, दोनों भिन्न बराबर हो तो मिले ना कोनो हाल में, अगर दोनों चार्ज बराबर हो गया तो कभी भी आपको ऐसा इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं मिलेगा। दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड बराबर हो लेकिन अनलाइक हो तो आपको ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पर क्या हो जाए थर्ड चार्ज पर जीरो फोर्स लगे। क्यों? क्योंकि अगर दोनों का चार्ज बराबर है इस साइड रखोगे तो एक से दूरी नजदीक हो जाएगा, एक से दूरी ज्यादा हो जाएगा तो भी नहीं इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा, और बीच में तो संभव ही नहीं है क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होता ही नहीं है तो नहीं मिलेगा। इसीलिए एक को छोटा एक को बड़ा होना है, ठीक है, तभी जाके यह संभव है कि मिले या डन। ओके, इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आता है तो इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन कर ही लेते हैं पहले। फाइंड द पॉइंट वेयर थर्ड चार्ज इफ प्लेस्ड एक्सपीरियंस जीरो फोर्स इन बिलो। पहला दो एग्जाम्पल दे देते हैं, थर्ड चार्ज कुछ भी हो उससे फर्क हमको नहीं पड़ता है। अगर यहां दे दें हम 4 माइक्रोकूलम, यहां 6 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच में दूरी 3 मीटर, और दूसरा केस दे दें हम 2 माइक्रोकूलम -8 माइक्रोकूलम और दोनों के बीच में दूरी 2 मीटर, तो क्या होगा? तो सॉल्यूशन, पहला केस क्या करना है आपको, Q1 by X1 square बराबर Q2 by X2, यही फॉर्मूला यूज हो जाएगा। फोर्स को डायरेक्शन बराबर करना है, डायरेक्शन अपोजिट करना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर, ये तभी होगा जब Q1 by X1 square बराबर Q2 by X2 square होगा। यहाँ 1 4 को मानते हैं, 2 6 को मानते हैं Q2। अब यह दोनों चार्ज बराबर है तो वह इक्विलिब्रियम पॉइंट इस बीच में कहीं होगा और छोटा वाले के नजदीक ही होगा, ये बीच में, इस दोनों के बीच में कहीं भी
होगा, दोनों एग्जैक्टली बराबर रहता तो एकदम मिड पॉइंट पे होता, अदरवाइज ये छोटा वाले के नजदीक होगा। तो ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 अपॉन x स्क्वायर, 4 माइक्रोकुलम अपॉन एक्स स्क्वायर, तो उधर हो जाएगा, यहाँ देख लो दोनों माइक्रोकुलम में है तो भी टेंशन नहीं है, इधर भी माइक्रोकुलम इधर भी माइक्रोकुलम ऑटोमेटिक कट जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर इस बार क्या हो जाएगा, 3 माइनस x का होल स्क्वायर, एक्स टू की जगह हो जाएगा 3 माइनस x, बस यही अंतर। तो अब इसको सॉल्व कर लो, हो जाएगा आपको 3 माइनस x बटा x का होल स्क्वायर बराबर 6 अपॉन 4, यानी 3 अपॉन 2। यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस x अपॉन x बराबर √3/√2। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3√2 - √2x बराबर √3x, यानी x बराबर, या उधर जाएगा एक स्टेप और बढ़ा दे तो क्या हो जाएगा, √3 + √2x बराबर 3√2, यानी x बराबर जो होगा 3√2 / √3 + √2 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। यह डिस्टेंस हो जाएगा 4 माइक्रोकुलम से, क्योंकि x आप डिस्टेंस कहाँ से माने हो, 4 माइक्रोकुलम से। सिमिलरली 3 में से इसको घटा देंगे तो 6 माइक्रोकुलम से आ जाएगा। हम अपने मन से क्वेश्चन दिए, डेटा उतना करेक्ट ठीक नहीं था, रूट रूट में आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बनाने का तरीका सीख लो। ठीक है, q1/x1² q2/x2² दोनों लाइक चार्ज है, इसलिए जब भी मिलेगा बीच में ही कहीं मिलेगा, अगर बीच में कोई डिस्टेंस है तो अगर दूसरा एक x माने हो तो दूसरा r - x यानी 3 - x। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा में भी सेम फॉर्मूला लगेगा, लेकिन दोनों क्या है, अनलाइक चार्ज है, तो अनलाइक चार्ज है तो आपको वह पॉइंट कहां मिलेगा, बीच में नहीं बल्कि साइड में, भिन्न चार्ज के काट में, किस भिन्न के, छुटका भिन्न के, यानी 2 माइक्रोकुलम वाले साइड में कहीं यह पॉइंट मिलेगा। तो 2 से अगर दूरी यह x मानते हो तो उधर से हो जाएगा 2 + x, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 अपॉन x² बराबर 8 अपॉन 2 + x² हाँ, अब यहाँ माइनस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम माइनस था, इसीलिए तो डिसाइड किए हैं कि इस साइड होगा, तो अब माइनस के बारे में मत सोचना, हो गया। मैग्नीट्यूड में सिर्फ 8 लगेंगे, पहले भी बोले हैं कि ऐसा ही हम करते हैं कूलम्स लॉ में, डायरेक्शन सिर्फ मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं कूलम्स लॉ से, डायरेक्शन हम सोच के निकालते हैं कि लाइक चार्ज है कि अनलाइक चार्ज है। यह हो गया 8/2 यानी 4, यहां से बहुत अच्छा आ जाएगा 2 + x / x इक्वल टू, दोनों तरफ रूट कर देंगे तो इधर 2 हो जाएगा, यहां से हो गया 2x बराबर 2 + x, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 2 मीटर, वेरी गुड, यानी 2 माइक्रोकुलम से हो जाएगा 2 मीटर और वहां से हो जाएगा 4 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, ऑप्शन में लिखा हुआ रहता है, कई ऑप्शन आता है, इतना मीटर फ्रॉम 2 माइक्रोकुलम, इतना कुलम मीटर फ्रॉम, तो हो सकता है कई बार दो आंसर में ऑप्शन में होगा 2 मीटर फ्रॉम 2 माइक्रोकुलम, कभी ऐसा भी हो सकता है 4 मीटर फ्रॉम -8 माइक्रोकुलम, तो एक्चुअली ऐसा लिखना ही चाहिए दोनों तरफ से ताकि स्पष्ट हो जाए कि हाँ बीच में ही है, तो आप लैंग्वेज पकड़ना है और क्या। ठीक है, यह एक टाइप हो गया। अब एक टाइप का क्वेश्चन आता है कि थर्ड चार्ज हम कहां प्लेस करें कि तीनों का तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में, अभी जो हम क्वेश्चन बना रहे थे इसमें सिर्फ तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में था, पहले दोनों चार्ज को हम नहीं देख रहे थे, अब है, अब जो टाइप आएगा कि वेयर शुड थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट whole system will be in equilibrium। कहां पे हम प्लेस करें कि पूरा सिस्टम ही हमारा इक्विलिब्रियम में हो जाए,
पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो यहाँ पे थर्ड चार्ज पर भी डिपेंड करता है, जैसे तो ऐसा गारंटी नहीं है कि हर केस में संभव हो ही पाएगा कि तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, लेकिन अगर संभव होता है, अगर यह संभव है कि इक्विलिब्रियम मिलेगा तो कैसे होगा, अगर यह दोनों लाइक चार्ज है तो स्वाभाविक है तीसरा चार्ज को क्या होना पड़ेगा, बीच में ही कहीं होना पड़ेगा, जो वो है पहले तीसरा को इक्विलिब्रियम में करो और उसके बाद इसका स्टेप क्या होगा कि फर्स्ट आपको करना पड़ेगा कि फाइंड पोजीशन वेयर थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम, पहले ये पोजीशन। और दूसरा स्टेप होगा, हाँ दूसरा स्टेप होगा कि टेक फोर्स, देन उसके बाद क्या करना है कि सो सो फोर्स ऑन आइदर Q1 और Q2 टू बी जीरो। अगर Q3 पर आप जीरो निकाल ही दिए हो कि तीसरा चार्ज पर फोर्स जीरो है, उसके बाद Q1 और Q2 में से किसी एक पर जीरो आप प्रूफ कर दो, तो आपको अगर ऐसा प्रूफ हो जाता है तो दिस इंप्लाइज कि Q1, Q2 एंड Q3 ऑल आर इन इक्विलिब्रियम, ऑल विल बी इन इक्विलिब्रियम। तीनों को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, दो पर फोर्स अगर जीरो है तो तीसरा पर ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि अगर सब मिलके दो पर फोर्स नहीं लगा रहा है तो वह दोनों मिलके भी तीसरा पर फोर्स नहीं लगाएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसलिए कोई भी सिस्टम हो जिसे पांच चार्ज का सिस्टम है, अगर चार को चार्ज पर फोर्स जीरो है टोटल, तो पांचवा पर भी जीरो होगा, ये 100% श्योर बात है, यही तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ है ना। इसलिए हर चार्ज को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर दो चार्ज को प्रूफ करने की जरूरत है। एक तो आपको पोजीशन फाइंड करना पड़ेगा और उस फिर पोजीशन पर यह डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज। सारे पॉसिबल मैग्नीट्यूड के लिए यह संभव नहीं है। सेकेंड केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डिसाइड मैग्नीट्यूड ऑफ Q3। It is not possible for all Q3. सारे Q3 के लिए यह संभव नहीं है, जैसा कि पिछले केस में हो रहा था कि Q3 चार्ज पर डिपेंड ही नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डिपेंड करेगा। तो इसको हम पहले बनाते हैं कैसे डिपेंड करेगा, इतना क्लियर है। तो इसमें सबसे पहला तो स्टेप वही रहेगा, रिपीट होगा कि पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको पहला स्टेप में Q1 by X1 square बराबर Q2 by X2 square यह पहले फाइंड कर लेना पड़ेगा, यहां से X1 और X2 का वैल्यू फाइंड कर लेना पड़ेगा, ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा केस में, नाउ सेकेंड केस में क्या होगा, अब आप X1 फाइंड कर चुके हो तो केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट Q1 एंड Q2 आर लाइक, अगर यह लाइक चार्ज है तो X1 की जगह X एंड X2 की जगह R माइनस X, बीच में कहीं होगा, दूरी R है तो R माइनस X, तो अब वह बीच में कहीं कोई पॉइंट होगा, बीच में कहीं कोई पॉइंट होगा, पहला केस हम ले रहे हैं, बीच में कहीं Q3 होगा, अब आपको यह दूरी X होगा, यह दूरी R माइनस X होगा। अगर तीनों चार्ज को इक्विलिब्रियम में होना है, फोर सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम अगर सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होना है, देन फोर्स ऑन Q1 या फोर्स ऑन Q2 मस्ट बी जीरो।
तो किसी एक पर प्रूफ कर दो तो जीरो हो जाएगा। तो हम मान लो वन पर प्रूफ करते हैं, तो वन पर प्रूफ अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, थ्री के कारण और टू के कारण फोर्स बराबर लगना चाहिए। तो यहाँ फोर्स बराबर करना है तो क्यू थ्री से वन की दूरी यानी क्यू थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर होना चाहिए क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। एक्स का वैल्यू अगर आप निकाल चुके हो तो यहाँ से क्यू थ्री का वैल्यू निकल जाएगा क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर गुने एक्स स्क्वायर। क्यू वन क्यू टू आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा और यह एक्स और क्यू थ्री का वैल्यू निकालना होगा। Q1, Q2 और R गिवेन होगा, Q3 और X आपको निकालना पड़ेगा। अगर Q3 भी क्वेश्चन में दे दिया तब हमको चेक करके देखना पड़ेगा कि whether it is possible or not, क्योंकि सारे Q3 के लिए यह पॉसिबल नहीं होता है। अगर हमको खुद फाइंड करना रहे तब तो हम फाइंड करके बताएंगे कि चलो इस Q3 के लिए सही होगा, लेकिन अगर दे दे तो यह सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर वह Q3 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन इसमें होना चाहिए। ठीक, अगर यही पे अनलाइक चार्ज है, क्या है अनलाइक चार्ज फॉर सिस्टम टू बी गिवन, लाइक चार्ज है तो ऐसा, अगर अनलाइक चार्ज है ये यहां हो गया, यह फॉर लाइक चार्ज, फॉर लाइक चार्ज क्यू वन एंड क्यू टू, क्यू वन एंड क्यू टू लाइक चार्ज है तो ये वाला केस। अब है कि नहीं लाइक चार्ज नहीं है, तो लाइक चार्ज नहीं है तो क्या होगा, यहां से बदल जाएगा केस सेकेंड, अच्छा लिखा हुआ तो था है, केस सेकेंड क्या हो जाएगा, यहां तक ठीक रहेगा, केस सेकेंड Q1 एंड Q2 आर नॉट लाइक, लाइक नहीं है। अच्छा एक बात और, यहां Q3, यहां Q3 मस्ट बी ऑफ अपोजिट नेचर, Q3 क्या होना चाहिए, अपोजिट नेचर का ही होना चाहिए। इस केस में लिख लो है क्या कि Q3 ऊपर वाले केस में ही, पहले इसको छोड़ो, पहले पहले वाले केस में लिख लो कि Q3 मस्ट बी ऑफ अपोजिट नेचर। क्यों, क्योंकि अगर सेम नेचर का होता तो यह भी धक्का देता है, यह भी धक्का देता है, कभी भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं होता। तो यानी Q3 को हमेशा Q1, Q2 के अपोजिट होना चाहिए। बीच में अगर इक्विलिब्रियम रखते हैं तो इसको अपोजिट होना चाहिए ताकि दोनों को क्या करे, खींच के रखे, दोनों के रिपल्सिव फोर्स को इसका अट्रैक्टिव फोर्स बैलेंस कर ले। तो Q3 अपोजिट नेचर का होना चाहिए पहले वाले केस में। दूसरा वाला केस में देखते हैं, दूसरा वाला केस है कि Q1 एंड Q2 आर नॉट लाइक। अगर लाइक नहीं है, अगर लाइक नहीं है, मान लो यह Q1 है और यह Q2 है। अब इसमें भी दो केस आ जाएगा, आप Q1 को हम छोटा मान लेते हैं कि Q1 का मैग्नीट्यूड लेस देन है Q2, तो आपको वह थर्ड चार्ज कहीं इधर मिलेगा, यहां पे रखने पर ही संभव हो पाएगा। यह दूरी अगर x है तो वह हो जाएगा r प्लस एक्स, तो यहां पर फिर से वही हो जाएगा, x1 की जगह x और x2 की जगह r प्लस एक्स, ये तो हो गया Q3। अब अगर क्या होना है, इसको सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना है तो Q1 या Q2 में से किसी एक पर टोटल फोर्स जीरो कर दो। तो मान लो हम Q1 पर फोर्स जीरो करते हैं, तो Q1 को अगर Q2 अनलाइक चार्ज है, यहाँ लिख चुके हैं कि Q2 क्या है, नॉट लाइक, अनलाइक है, तो Q2 अगर यह इधर खींच रहा है तो Q3 को भी इधर खींचना पड़ेगा, तब जाके यह इक्वल होगा। तो हेयर यहाँ क्या होना चाहिए, Q3 must be of nature, must be of nature like Q2, जो Q2 का नेचर होगा उसी नेचर का होना चाहिए Q3 का। यानी कहने का मतलब Q1 जो है Q2 और Q3 के अपोजिट नेचर का होगा। Q1 क्या होगा, Q1 is opposite of, opposite nature of Q3 and, इसमें क्या है, जो बीच वाला चार्ज है वह अपोजिट नेचर का है, यहाँ भी जो बीच वाला चार्ज था वह अपोजिट नेचर का था, यानी हर केस में बीच वाला चार्ज अपोजिट नेचर का ही होना चाहिए। और Q1 को इस बार अगर इक्विलिब्रियम में होना है तो क्या हो जाएगा, Q3 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q3 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर Q2 अपॉन आर स्क्वायर, सेम केस आ गया जैसा पहले आया था।
लेकिन इस बार Q3 और Q2 एक नेचर का है, Q1 अपोजिट नेचर का। यहाँ Q2 अगर पॉजिटिव है तो Q3 भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, अगर Q2 नेगेटिव है तो Q3 भी नेगेटिव होना पड़ेगा। यहाँ से हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अगर यह बड़ा रहता तो सिमिलरली यह उस साइड चला जाता, Q3 इस साइड चला जाता, जब क्या रहता Q2 छोटा और Q1 बड़ा, क्योंकि हमेशा Q3 छोटे वाले के साइड में रहेगा, छोटे वाले के साइड में रहता फिर यह बीच वाला अपोजिट नेचर का हो जाता। थर्ड केस का हम एक बार ड्रॉ कर दें। थर्ड केस में क्या होगा, बी में अगर लिखोगे कि अगर आपको Q1 जो है वह बड़ा है Q2 छोटा है, तो उस केस में यहाँ Q1 और यहाँ Q2 Q3 आपको छोटे वाले के साइड में रखना पड़ेगा, यानी यह छोटा वाला का साइड होगा। तो छोटा वाला जो होगा Q1 और Q3 Q2 विल बी अपोजिट नेचर ऑफ Q1 एंड Q3। अपोजिट नेचर का होगा Q1 और Q3 के अपोजिट नेचर का होगा, और Q1 Q3 यहाँ पर एक जैसा होगा। इस केस में Q2 Q3 एक जैसा, उसमें Q1 Q3 एक जैसा, अब बाकी सेम रहेगा। यह x है और यह दूरी r था, तो यहाँ हो जाएगा Q1 पर फोर्स निकालो या Q2 पे यहाँ निकाल लेते हैं, तो Q1 बाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा Q3 बाई एक्स स्क्वायर फोर्स टू एफ Q2 बराबर 0। फोर्स ऑन Q2 0 करने के लिए यह करना पड़ेगा। तो सिंपल है, आपको दो चीज लेकिन इसमें निकालना पड़ेगा, एक्स भी और Q3 भी। तो इसमें एक चीज साफ हुआ है कि बीच में जो भी रहेगा वह अपोजिट नेचर का रहेगा, बीच में जो भी रहेगा वह क्या रहेगा, अपोजिट नेचर का रहेगा। और यहां गौर से देखो, R और X है, Q3 Q1 पर जितना फोर्स लगा रहा है Q2 भी उतना ही लगा रहा है, तो Q2 से Q1 की दूरी नजदीक है, Q3 से Q1 की दूरी दूर है, तो हमेशा Q2 का मैग्नीट्यूड क्या होना पड़ेगा, Q3 की तुलना में छोटा होना पड़ेगा। देखो जो बीच में है उसका मैग्नीट्यूड छोटा होना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बीच वाले से इसका दूरी नजदीक है और साइड वाले से इसका दूरी दूर है, तो जो नजदीक है उसका मैग्नीट्यूड कम होना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा, जबकि इसके कारण और इसके कारण Q1 पे फोर्स बराबर होना चाहिए। सिमिलरली Q3 पर अगर टोटल फोर्स 0 देखना है तो उस केस में भी Q2 को क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा। तो हमेशा इसमें एक सूत्र हो जाता है कि अनलाइक चार्ज को बीच में होना पड़ेगा, अनलाइक चार्ज को बीच में होना पड़ेगा, और अनलाइक चार्ज को दोनों बगल से की तुलना में छोटा होना पड़ेगा। Q1 से छोटा तो था ही, हम Q3 से भी छोटा होगा यह सिद्ध कर दिए यहाँ पे, क्योंकि Q3 से अगर छोटा नहीं होगा तो Q1 इक्विलिब्रियम में कैसे होगा। Q1 पर टोटल फोर्स 0 करने के लिए Q2 के कारण जो फोर्स लगेगा और Q3 के कारण बराबर लगेगा, तो इसलिए यहाँ पर सूत्र बन जाता है इस केस में एक सूत्र बन जाएगा ऐसा, जब इक्विलिब्रियम में होना पड़ेगा तीनों सिस्टम को, तो भिन्न चार्ज मध्य विराजे, भिन्न चार्ज मध्य विराजे, छोटका के नजदीक, क्योंकि इक्विलिब्रियम में होना है तो छोटे वाले के नजदीक में होना पड़ेगा, छोटका के नजदीक, और खुद सबसे छोटा हो गए, खुद सबसे छोटा हो गए, और उसका वैल्यू दोनों बगल से, जो बीच में चार्ज है दोनों बगल से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, खुद सबसे छोटा हो गए, करे सबको स्थिर, मतलब इक्विलिब्रियम में, रेस्ट में कर दो, तो भिन्न चार्ज को मध्य में विराजना पड़ेगा, बीच में रहना पड़ेगा, छोटा वाला के नजदीक में रहना पड़ेगा, और उसको खुद बाकी दोनों की तुलना में छोटा होना पड़ेगा, और तभी जाके यह संभव है। अब इस पर एक क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन ऐसा है, जैसे यहां प्लस कैपिटल Q, यहां प्लस कैपिटल Q, तो पूछ रहा है फाइंड
पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम क्या हो इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है। दोनों अगर सेम चार्ज है और मैग्नीट्यूड भी बराबर है तो उसको कहाँ होना पड़ेगा, उसको पक्का है कि बीचों बीच होना पड़ेगा, यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ भी क्या है प्लस क्यू है, और बीच में होना पड़ेगा स्मॉल क्यू, क्या होना पड़ेगा स्मॉल क्यू, और ये हम भी जानते हैं कि भिन्न चार्ज होना चाहिए मध्य में, यानी यह अपोजिट नेचर का होना चाहिए, क्या होना चाहिए थर्ड चार्ज माइनस क्यू होना चाहिए। तो अब यह दूरी क्या है, पूरा दूरी अगर r है, पूरा दूरी क्या है r है, तो हमको मालूम है कि यह दूरी x और x बराबर ही होगा, क्योंकि चार्ज बराबर है तो यहाँ आसान हो गया निकालना, x इक्वल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक तो मिड पहला हो गया कि मिड पॉइंट पे होना चाहिए, आप x1 x2 से भी निकालो तो क्या हो जाएगा q अपॉन x स्क्वायर बराबर q अपॉन r माइनस x स्क्वायर, तो r माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा r माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा r माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू आर बाई टू, यानी बीच में होना चाहिए, इसके लिए बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक। और मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इसके लिए किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स क्या कर दो जीरो कर दो, मान लो इस चार्ज पर फोर्स हम जीरो कर रहे हैं इस चार्ज पर, तो क्या हो जाएगा इस कैपिटल क्यू से इसकी दूरी क्यू अपॉन आर स्क्वायर बराबर होना चाहिए इससे इसकी दूरी, यानी क्यू अपॉन क्या आर बाई टू का होल स्क्वायर, माइनस साइन नहीं रखेंगे सिर्फ मैग्नीट्यूड, यहां से क्या हो गया क्यू अपॉन आर स्क्वायर बराबर फोर क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, क्यू बराबर आ गया कैपिटल क्यू बाई फोर, यानी थर्ड चार्ज क्या हो जाएगा थर्ड चार्ज हो गया माइनस क्यू बाई फोर, थर्ड चार्ज हो जाएगा माइनस क्यू बाई फोर, यही आंसर हो जाएगा कि थर्ड चार्ज होना पड़ेगा माइनस क्यू बाई फोर। एक और देख लेते हैं आज के लिए, यहाँ है माइनस टू कूलम, यहाँ प्लस फोर कूलम, और वही क्वेश्चन है सेम, थर्ड चार्ज क्या होगा, थर्ड चार्ज एंड इट्स पोजीशन फाइंड करना है, एंड इट्स पोजीशन फाइंड करना है सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करने के लिए, ठीक। इसका सलूशन अनलाइक चार्ज है, तो अनलाइक चार्ज है तो पक्का है कि थर्ड चार्ज आपको छोटा वाला के साइड में यानी इधर कहीं रखना पड़ेगा, और यह बीच वाला चार्ज अपोजिट नेचर का होना चाहिए, यानी बीच वाला नेगेटिव हो गया तो दोनों वाला साइड वाला क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, यह चार्ज प्लस क्यू थ्री होना चाहिए। कई बार बच्चा इस आंसर में गलत करता है, उसको ध्यान नहीं रहता कि नेगेटिव होना चाहिए, प्लस क्यू बाई फोर में आंसर ठीक लगा के आ जाएगा, वो गलती नहीं करना है। दोनों तरफ एक जैसा चार्ज, बीच में भिन्न चार्ज, अगर पूरा सिस्टम आपको इक्विलिब्रियम में चाहिए तो ठीक है। और यह दूरी बीच में दिया हुआ है मान लो चार मीटर, बीच में क्या है चार मीटर, तो अब फाइंड करना है, तो हम मान लेते हैं यह दूरी x है, तो पहला कि थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम में अगर करना है तो q3 अपॉन थर्ड चार्ज को पहले इक्विलिब्रियम में करना है तो इस दोनों के हिसाब से देखो तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 4 अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको 8 मीटर कर लो, नहीं नहीं ठीक 4 मीटर था ना, ठीक नहीं 8 मीटर कर लेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा बनाना, ठीक है 2 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 8 बाई 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, अब इसको सॉल्व कर लो 4 प्लस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर 8 बाई टू यानी 4, यानी 4 प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल टू टू, यहां से आ जाएगा 2x बराबर
फोर प्लस एक्स, तो एक्स बराबर 4 मीटर। यानी दूरी तो डिसाइड हो गया कि यह 4 मीटर ही होगा, दूरी डिसाइड हो गया कि कितना दूर होगा, 4 मीटर, कहां से, -2 माइक्रोकूलम से। और मैग्नीट्यूड कितना होगा, अब तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में, सिर्फ थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे तो इतना दूरी पर कोई भी चार्ज रख दो वह इक्विलिब्रियम में रहेगा, लेकिन पूरा सिस्टम को अगर इक्विलिब्रियम में करना है तो तीसरा चार्ज तो पॉजिटिव होना पड़ेगा, और कितना होना पड़ेगा, तो उसके लिए किसी एक फोर्स पर, किसी एक चार्ज पर फोर्स जीरो कर दो, 4 पर या 2 पर, मान लो हम 2 पर करते हैं, तो 2 पर अगर फोर्स जीरो करना है तो इस जिस पर फोर्स जीरो करना है उस चार्ज से तो मतलब नहीं है, ये वाला q3 अपॉन x स्क्वायर बराबर हो जाना चाहिए 4 अपॉन उससे दूरी, यानी यह क्या करने के लिए कि फोर्स ऑन -2 कूलम बराबर 0 2, ऐसा करने के लिए आपको यह काम करना पड़ेगा। तो यहां से आ जाएगा q3 अपॉन x स्क्वायर यानी 4 चौका 16 बराबर 4 अपॉन 64, 16 चौका 64 क्या हो जाएगा 1, इसका मतलब है q3 को होना पड़ेगा +1 कूलम। ठीक है, तो ये कुछ है मल्टीपल चार्ज सिस्टम में, एक यह क्वेश्चन हो गया इक्विलिब्रियम वाला, एक आता है थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम, एक आता है टोटल सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। डन। एक और बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है कि लास्ट क्लास को हम ट्रायंगल और स्क्वायर का देखे थे, लेकिन हेक्सागोन वाला क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन भी देखते हैं कि आजकल कॉमन है, आ सकता है कभी भी। जैसे क्वेश्चन इस प्रकार है, हर जगह चार्ज Q और यह इसका सेंटर है O, और यहां पे कोई चार्ज कैपिटल Q रखा हुआ है, कितना रखा हुआ है कैपिटल Q, तो इस केस में क्या हो जाएगा, फोर्स, इसको कंसेप्ट के रूप में फोर्स ऑन Q बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि अगर मान लो लाइक चार्ज है तो यह इधर रिपेल कर रहा है, यह उधर कैंसिल, यह इधर यह उधर कैंसिल, यह इधर और यह इधर, सब फोर्स एक दूसरे को अपोजिट में, डायगोनली अपोजिट चार्ज है, अपोजिट एक्शन में फोर्स लगाएगा, टोटल फोर्स हो जाएगा 0। लेकिन यही दूसरा केस ऐसा आता है कि एक जगह से चार्ज हटा दिया गया, एक वर्टेक्स से चार्ज हटा दिया गया, यहां पे है चार्ज, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां पर चार्ज हटा दिया गया, कैपिटल Q, स्मॉल Q, स्मॉल Q, स्मॉल Q, स्मॉल Q, स्मॉल Q, यह दूरी A है, तो अब कितना फोर्स लगेगा, तो ठीक है, यह वाला एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यह वाला एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यह इधर लगाएगा, यह इधर, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यह वाला कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसके बीच जो फोर्स है वह रह जाएगा, इसके कारण फोर्स क्या है, रह जाएगा, तो यहाँ फोर्स बराबर हो जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, दोनों के बीच में दूरी का स्क्वायर, यह ए है तो दूरी इसके बीच में भी ए ही होता है, हेक्सागोनल में जो ये दूरी होता है वह भी ए होता है, यह इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा, यह दूसरा टाइप। और तीसरा ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या कोई दिक्कत, इतना समझ में आ रहा है ना, ठीक है, ध्यान से इसको देखना, वीडियो पॉज कर लेगा, दिक्कत हो तो फिर इसको रिपीट कर लो। अब दूसरा क्या है कि यहाँ Q Q Q Q Q और यहाँ पे एक अपोजिट चार्ज कर दिया माइनस Q, तो अब क्या था, इस वाले केस में भी यह दोनों एक दिशा चार्ज है, अपोजिट है, अट्रैक्ट करेगा तो दोनों अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा तो दोनों रिपेल करेगा, कैंसिल कर देगा, यह वाला भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यह वाला, यह अगर रिपेल करता है तो यह नेगेटिव है, अट्रैक्ट करेगा तो एक ही दिशा में हो जाएगा, अगर यह अट्रैक्ट करता है तो यह रिपेल करेगा तो भी अपोजिट दिशा में हो जाएगा, एक ही दिशा में हो जाएगा दोनों के कारण फोर्स। गौर से देखो, अगर इसको प्लस और यह प्लस है, यह माइनस है, तो यह प्लस प्लस रिपेल करेगा, माइनस अट्रैक्ट करेगा, तो एक ही दिशा में हो गया, बस एक ही दिशा में हो जाएगा, तो यहां आपको फोर्स हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा के क्यू क्यू अपॉन एस, इसके कारण भी और उसके कारण भी, दोनों के कारण फोर्स
ऐड हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा। अगर प्लस कर देंगे तो दोनों का कैंसिल हो जाएगा, अपोजिट कर देंगे तो ऐड हो जाएगा। तो ये सब चीज को ध्यान में रखना है, और जो असाइनमेंट है उसको आप बनाइए, आपको समझ में आएगा। जो भी प्रॉब्लम हो यू मे व्हाट्सएप। ओके, तो फिर अगले क्लास को मिलते हैं। मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, पढ़ते भी रहो, खेलते भी रहो, खाते रहो, मस्त रहो। बाय बाय।